गुणे, ये हमारा आ गया 70 अंश, दो से जब काट देंगे तो ये आ जाएगा 35 अंश। ठीक है, तो हमारा ये मान जो हमें निकालना था ओ ए बी का, वो कितना आ गया 35 अंश। नमस्कार दोस्तों, और मैं संजीव कुमार, मैं आज आपको बताऊंगा गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। और मेरे पास एक व्रत दिया है और व्रत में दो स्पर्श रेखा है ए बी और ए सी, जिनमें ए बी ओ सी का मान 110 अंश दिया। हमें ओ ए बी का मान निकालना है, ये वाला हमें मान, इस कोण का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, और आप सभी को वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले अगर किसी भी व्रत पर कोई भी अगर स्पर्श रेखा अगर हमें खींचनी है तो उस पर जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है, 90 अंश का। ये बात क्लियर है, अगर हमें किसी भी व्रत पर स्पर्श रेखा अगर खींचनी है तो वहाँ पर हमें 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा, तब हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा हमारी ए बी खींची है, इसका मतलब जहाँ पर ये स्पर्श कर रही है तो इसका कोण कितना होगा, ये कोण हमारा 90 अंश होगा। ये क्लियर बात है, क्योंकि स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमें 90 अंश का ही कोण बनाना पड़ता है। इसी तरीके से ये दूसरी स्पर्श रेखा भी खींच रही है, तो इसका मतलब जो हमारा सी वाला कोण है इसको हम बोल सकते हैं ए सी ओ, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। हमारा ये वाला कोण पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो ये हमारा टोटल कोण हम निकाल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं बी ए सी वाला कोण। हम ये पूरा जो है ये वाला पूरा कोण हम पहले निकालेंगे, कौन सा, ये पूरा जो कोण है ये वाला हम निकालेंगे। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हमें क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें जान लेनी ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि ये हमारा चतुर्भुज है, 1 2 3 4, और चक्रीय चतुर्भुज जब होता है तो इसके चारों कोणों का योगफल होता है 360। एक क्लियर बात है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होगा, 360 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन चारों कोणों को जोड़ देंगे, जिनमें से हमें तीन कोण पता है और चौथा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी ओ में, ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, कौन सा, ए बी ओ सी में, इसको हम ओ पहले लिख देंगे और सी बाद में कर देंगे। ठीक है, ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज में क्या करेंगे, चारों कोणों का योगफल होता है कितना, 360 अंश होता है। तो इस कोण को लिख सकते हैं ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 360 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब हम ए को क्या लिखेंगे, ए को इस तरीके से हम लिखें कि ए हमारा बीच में हो जाए, और चलेंगे हम चक्रीय चतुर्भुज में, ये चक्रीय यही दो चक्रीय चतुर्भुज इसी में चलेंगे, और ए हमारा बीच में हो जाए तो इसको हम बोलेंगे बी ए सी लिख सकते हैं। ए को लिख सकते हैं कोण बी ए सी प्लस, अब बी बीच में हो जाए ऐसा प्रो तो लिखेंगे ए बी ओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी ओ प्लस, अब ओ बीच में हो जाए तो इसको बी ओ सी लिख सकते हैं ना, बी ओ सी, और सी को लिख सकते हैं ए सी ओ, ए सी ओ बराबर 360 अंश, ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, जो इसमें कोण के मान दे वो हम रख लेंगे, क्या है, हमें ये वाला कोण जो बी है कितना है, 90 अंश है। ठीक है, ए वाला सी वाला भी 90 है, ये हमें ए वाला नहीं दिया, तो ए हमें नहीं पता है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बी ए सी, हमें नहीं मालूम, ए बी ओ का मान दिया है 90 अंश प्लस बी ओ सी का मान दिया 110 अंश प्लस ए सी ओ का मान दिया है 90 अंश बराबर 360 अंश। अब 90, 110 और 90 को जो हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा बी ए सी, जब इसको जोड़ेंगे 90 प्लस 90 180 और 110
तो हमारा आ जाएगा 290 अंश आ गया। बराबर में हमारा था 360 अंश। अब क्या करेंगे, अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे। हमें निकालना है बी ए सी, बी ए सी बराबर 360 था माइनस 290। इधर इसको हम पक्षांतर जब कर देंगे तो हमारा ये माइनस हो जाएगा। अब इसमें से 360 में से सब 290 घटाएंगे तो 0 में से 0, 16 में से 9 गए तो मेरा 7, इधर कुछ नहीं बचा, तो हमारा कोण आ जाएगा बी ए सी 70 अंश आ गया। कितना आ गया, ये 70 अंश आ गया। लेकिन हमें निकालना समान है, हमें ये तो हमारा आया है बी ए सी, ये हमारा टोटल मान आ गया है कितना 70 अंश। हमें निकालना है ओ ए बी निकालना, ए इतना निकालना है। तो आपको पता है जब केंद्र से ये जो छेदक रेखा खींची जाती है केंद्र से ऊपर आती है, इस रेखा ने इस कोण को क्या कर दिया, आधा कर दिया था। इसका मतलब जो कोण टोटल है, अगर हमें इतना मान निकालना है तो इसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो हमारा निकालना क्या है, कोण ओ ए बी बराबर 1/2 कोण ए बी ए सी, ठीक है। तो हम इसका आधा कर देंगे तो हमारा 1/2 गुणे, ये हमारा आ गया 70 अंश, 2 से जब काट देंगे तो ये आ जाएगा 35 अंश, ठीक है। तो हमारा ये मान जो हमें निकालना था ओ ए बी का, वो कितना आ गया, 35 अंश आ गया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है। धन्यवाद।